हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है आसिफ और आप आ चुके हैं हमारे चैनल पे। आज हम जा रहे हैं एक और हिडन प्लेस पे जिसका नाम है ब्लू वाटर पार्क। शायद ही आप लोगों ने उस जगह के बारे में सुना होगा। और आज है संडे राइड जो कि हम एंजॉय कर रहे हैं और भी कुछ राइडर्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं उन सभी राइडर्स से जो हमारे साथ इस जर्नी पे शामिल हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। तो सीधा मिलते हैं उनसे। तो इन्हें तो आप लोग पहचानते हुए होंगे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहान खान। तो ये आज फिर से हम एक नए राइड पे ज्वाइन कर रहे हैं हमें और एक हिडन प्लेस पे। तो आप बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? अभी तो रास्ता मतलब बहुत मज़ा ही आ रहा है इसमें, जाने में ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे पूरा ओपन रोड है, मतलब इसमें आप दबा सकते हैं गाड़ी, जितना स्पीड चला सकते हैं, ऐसे स्पीड नहीं चलिए ना। संडे राइड है भाई, थोड़ा सा तो मज़ा लेना है कि नहीं? मज़े लेना है भाई, फुल मस्ती होगी। और जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ आपको पहुँच के आपको जो वीडियो दिखाएंगे ना हम, उनका जो मतलब क्या बोलते हैं उसे भाई, क्या बोलते हैं उसे, सीन बहुत ओपी हाँ, मिलने वाला है, बहुत हार्ड लगने वाली है वो सीन। हाँ, तो चलते हैं वहाँ पे और उसके बाद देखते हैं कि कैसा लगता है। तो कि आप पहचान रहे हो, ये हमारे अपने कैरी भाई जो मैक्लुस्कीगंज वाले ब्लॉग देख चुके होंगे, वो इन्हें ज़रूर पहचानते होंगे क्योंकि भाई ने राइडिंग ज्वाइन किया था मुझे उस टाइम, मतलब मैक्लुस्कीगंज के लिए, और जो कि काफ़ी मज़ेदार रहा और काफ़ी मतलब सबसे अच्छा वीडियो अभी तक मेरा जो रहा है, अभी तक सबसे ज़्यादा चलने वाला है। तो बिग थैंक्स टू कैरी भाई, और एक बार फिर से मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज फिर से हम साथ में जा रहे हैं संडे राइड के लिए, तो कुछ मतलब बताना चाहेंगे कुछ आप अभी के राइड के बारे में? जहाँ जा रहे हैं वो हिडन प्लेस है जो आपने खोजा है। हाँ, थैंक यू। के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कैसा जगह है, आप लोग भी देखिएगा। और रोड कैसा मिल रहा है, मतलब हाईवे एक नंबर है, हाईवे रोड है, रिंग रोड है पूरा। लोकेशन आप बता दीजिए कि हम लोग किस तरफ से जा रहे हैं, कहाँ पे हम लोगों को जाना है? जा रहे हैं बस बूटी मोड़ होके इधर इरबा होते हुए निकल रहे हैं। अच्छा, और उसके आगे फिर जाएंगे ओरमांझी साइड। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं हम लोग रोड में, मोटो ब्लॉगिंग मोड में। और तब तक के लिए बने रहे ब्लॉग पे। और एक और हिडन प्लेस जैसे जा रहे हैं, तो आज एक हिडन और नया चेहरा हमारे साथ में है जो आज हमें हमें ज्वाइन किए हैं। मिलते हैं उनसे भी। तो ये जो रास्ता है ओरमांझी जू के पास से जो रास्ता कटता है, वहाँ से हमें टर्न लेना है लेफ्ट साइड की ओर, और देन ये एक पतला सा रास्ता मिलेगा आपको जाने के लिए। यार सामने क्या ब्यूटीफुल सीन मिल रही है। होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है और अभी तक आप चैनल पे बने हुए हो तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर वापस मत जाना। तो तभी से जो मैं तारीफ किए जा रहा था सीन के बारे में, वो यही सीन है। अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा दूर है हमसे, इसलिए उतना साफ और उतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है। मैं जूम करने की कोशिश करता बट इतना ज़्यादा दूर है कि जूम करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा दूर है हमसे। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में वो है हमसे अभी। और ये हमारे कुछ राइडर्स हैं जो हमारे साथ में चल रहे हैं, और पीछे वाले भाई को अभी पेनल्टी लगा है, अभी जस्ट चालान कटा है, इसलिए वो गुस्से में है और हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। और भाई मज़ा आ रहा है राइडिंग करने में। ये जो रास्ता है यहाँ से देखिए आप, कच्चू आगे पड़ेगा, कचहरी आगे पड़ेगा, यहाँ से हमें लेना है राइट इस साइड में और आगे बढ़ना है। साई यूनिवर्सिटी जो है यहाँ का, वो भी आपका आगे ही पड़ेगा उसी साइड में, और आपको ये वाला रास्ता जो है फॉलो करना है आपको ब्लू वाटर पार्क आने के लिए। ये जो सीन है यार, देख रहे हो आप कितना खूबसूरत है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, एंड मतलब मिल्टा पावर टाइप की एक सीन जो लग रही है हमें, उसको लेना पड़ेगा लेफ्ट, थिंक सो। तो मतलब जो ये जो रोड है यार, रोड थोड़ा सा पतला मिलेगा इन्हें छोड़ने के बाद आपको। और लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं, एक छोटा सा गांव है, उसे क्रॉस करने के बाद हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो मतलब काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं उस प्लेस को देखने के लिए, बिकॉज वहाँ का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपने ब्लू पाउंड का पानी देखा होगा, मतलब सेम उसी टाइप का पानी है यहाँ पे, और थोड़ा साइज में छोटा है, बट यहाँ पे आई थिंक सो कि एक मतलब मज़ा आने वाला है। गुंजा जगह का नाम है ये, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से हम लोगों को लेना है राइट। उसके बाद तो ये जो रोड है यार, यहाँ पे मतलब कि होता है यही प्रॉब्लम है अपने झारखंड में। मैं हमेशा मतलब बोलता नहीं हूँ, बट ये एक प्रॉब्लम है हमारे झारखंड में कि जो भी हिडन प्लेस हमें मिलती है, जो भी मतलब कि लोकेशन हमें आउटसाइड में मिलती है, उसका रोड जो है यार बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ये एक शिकायत है मेरी, जो कि मतलब कि मेरे कहने से या ना कहने से कुछ होने वाला नहीं है, बट एक शिकायत है मेरी अपने गवर्नमेंट से कि हर जगह का रोड बहुत खूबसूरत है। झारखंड में बहुत सारे ऐसे रोड है जो बहुत खूबसूरत है, बट यार यहाँ की भी रोडों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये टाउन से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मतलब इसे बनाने की ज़रूरत है। खैर वो बात रही कि बाद में ये बन जाएगी, बिकॉज अभी तो हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो ट्रिप था ये हमारे लिए सिर्फ हाईवे पे हम चल के आ रहे थे, लेकिन ये एक हमारे लिए बोनस पॉइंट हो गया कि थोड़ा सा एडवेंचर हो जा रहा है हमारे साथ, और ऑफ रोडिंग भी करने को मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट यार ज़्यादा दिन के लिए ये ऑफ रोडिंग ना रहे तो बेटर है, बिकॉज इस रोड को बनना चाहिए ताकि यहाँ की खूबसूरती को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और इसे मतलब कि थोड़ा सा बाहर हाईलाइट करना चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब इतना इसे पॉपुलर कर दो इस जगह को कि मतलब इस जगह पे भी टूरिस्ट आने लगे और यार झारखंड की खूबसूरती को जानने लगे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। अब हमें लग रहा है कि हम लगभग पहुँच चुके हैं ब्लू पानी के आसपास। अब देखते हैं कि और कितनी दूरी पे है, एक बार हम लोग लेफ्ट साइड देख लेंगे कि क्या है यहाँ पे। आई थिंक सो कि यही है वो चीज़, बट एक बार हम चेक कर लेंगे। जी बिल्कुल यार, क्या ही ओह माय गॉड यार, क्या ही प्लेस है, मतलब से मजा आ गया यार, गजब। मतलब सो एक्साइटेड यार, मतलब ये सोचा नहीं था मैंने कि इतना ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है ये सीन। और ये अभी फिलहाल हम लोग ऊपर में है यार, क्या मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मतलब इतना टाइम लगाने के बाद, इतना देर ड्राइव करने के बाद यहाँ पहुँचा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे आने के बाद। और नीचे उतरने का रास्ता भी है जो कि उस साइड से है, तो हम बाइक लेके आगे भी जाएंगे और वो रेलवे ट्रैक जो है वहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कैसा लगा यहाँ पे आके, मतलब किस टाइप का यहाँ पे लोकेशन देख के, मतलब कि जो गूगल मैप पे यहाँ पे अपलोडेड थी, मतलब उससे मतलब कि एक्सपेक्टेशन जो थी मेरी वो मतलब कि थोड़ी कम थी, बट यार क्या ही खूबसूरती है यहाँ पे। तो मैंने बताया था कि एक हिडन प्लेस को निकाल रहा हूँ, एक हिडन जगह को ढूंढ रहा हूँ, तो वैसे ही एक हिडन बंदा भी अपने साथ ज्वाइन हुआ है, एक नया बंदा हमारे साथ में है, हमारे ग्रुप में है। तो मतलब मिलते हैं उससे और उससे पूछते हैं कि कैसा लगा यहाँ का सीन। सुफियान पांडा भाई, जो कि मतलब कि कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? वहाँ से रेल गाड़ी आ गया, पूरा भरल गाड़ी आ गया। मतलब ओवरऑल जगह कैसा लगा आपको? मतलब अच्छा लगा, रिलैक्स लाइक है, बहुत रिलैक्स। और मतलब कि कूद जाए कहीं से, मतलब देख रहे हो आहान भाई को, मतलब एक्साइटमेंट देखो यार बंदे की, मतलब कूद जाओ भाई। थोड़ा सा कुछ बताओगे भाई? क्या बताएं, मतलब बोलती बंद ये जगह को देखकर भाई, क्या ही सीन है, मतलब पानी भाई ब्लू 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 पॉन्ड जो था वहाँ पे, मतलब कि वहाँ का जो पानी था मतलब ग्रीन था वहाँ पर भाई, देखना ये रास्ता भी है वो, मतलब कि ग्रीन पानी था। और ये जो पानी यार अपना कैरी भाई यार कोई ये तो आतंक कर रहा है मतलब कहीं भी चला गया था, कर क्या रहता भाई, मतलब यार यार क्या ही सीन है भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है हम लोगों को, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है बिकॉज पूरा हम लोग घूम के और उसके बाद हम लोग यहाँ का मतलब जायजा लेंगे यार। हो सकता है मैं भी ट्राई करूँगा यहाँ पे नहाने का, बिकॉज हम लोग एक बार काटू का जो एक वीडियो था मेरा, आप लोगों ने देखा होगा मकमंदरों का, वहाँ पे मैं नहाया था, वहाँ पे मतलब जंप किया था, वो कुआं था एक एक्चुअली। तो मे भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पे हमारे साथ आहान भैया जो कि तैरने में माहिर है, तो हो सकता है ट्राई कर सकते हैं आहान भाई। हाँ बिल्कुल यहाँ ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे उतरने का तो भाई मेरा बहुत ज़्यादा मन है। और यहाँ पे देख रहे हो यार, मतलब कैरी भाई को देखो कहाँ चल गए यार, मैं बता रहा हूँ वो जो बीच से रास्ता है जो यहाँ पे, वहाँ पे वो जो रास्ता दिख रहा है छोटा सा सीढ़ी टाइप, हाँ सीढ़ी टाइप क्या बोलते हैं यार, मतलब की हाँ मतलब स्लाइडर, वो जो आ रहा है जो यहाँ तक आ रहा है और बीच में देख रहे हो आप रास्ता दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, शायद कैमरा में आ रहा है नहीं आ रहा पूरा आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे वो साइड से आने का, ये साइड आने का, वहाँ से सीधे आएंगे हम यहाँ तक, मतलब ट्राई करेंगे और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे यहाँ तक आने। तो अब जो है हमारा प्लान बना है कि नीचे से जाके इस जगह को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। ये जो लोकेशन है जहाँ पे अभी हम लोग आए हैं, ये एक रेलवे ट्रैक है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से ट्रेन जो है यहाँ से पार होती है, और ये एक रेलवे ट्रैक है, एक ही प्लेटफॉर्म है और एक ब्रिज है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, ये एक ब्रिज है और मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। और यार सामने का जो व्यू है, मतलब ये जो हरियाली अगर जो दिख जाती है ना यार, ये अपने झारखंड में ही होती है, और ये जब हरियाली दिख जाती है तो दिल जो है वो खुश हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और मतलब आप देख सकते हो कि सिर्फ बीच में ये ब्रिज है और मतलब दोनों साइड में ये एकदम सीन जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सीन है। और मतलब माहौल यार इतना शांत माहौल है कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमारे साथ जो राइडर्स आए हैं वो एकदम मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ोटो शूट करा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। तो पूछते हैं उनसे कि मतलब कि वो तो ब्लू वाटर पार्क देख लिए, बट यहाँ मतलब कि ये रेलवे ट्रैक कैसा लगा उन्हें। फ़ोटोशॉप भी करवाया इन लोगों ने, तो पूछते हैं डायरेक्ट इन्हीं से ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसा लगा यहाँ। साहब भाई पूरे रोल में फोटो शूट कर रहे हैं, एकदम चिकने लग रहे हैं चिकने। तो हमारे आसिफ भाई के चैनल को आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इसकी मेहनत हम देखते हैं भाई, क्या ही मेहनत करता है ये बंदा, मतलब एक एक प्लेस के लिए कितना मतलब परेशान होता है भाई, कहाँ कहाँ से निकालते हो भाई। और ये सिंघाड़ा में परेशान है, ये देखिए इसको चाहिए सिंघाड़ा पुचका तो आलू चाप। सुबह से मैं नाश्ता नहीं किया, सुबह से जब से उठा हूँ 11 बजे सो गए, नहीं उठा। इनका कॉल आया भाई निकलना है ना, मुझे नाश्ता करने दिया ना, रोड पे कहीं पे रुका। अरे मैया कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है, फुल ऑन नौटंकी है यार इसका, वैसा कुछ सीन नहीं है, भूख नहीं लग रहा है, इसका पेट एक्चुअली बहुत बड़ा है। अरे बहुत जल्दी भर भी जाता है, जैसे हमारे देखो मतलब कि एग्जांपल के तौर पे सेट करता हूँ, जैसे हमारे कैरी भाई उनका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे जो आहान भाई है उसका पेट बहुत बड़ा है, इन्हें कितना भी खिला दो भरने वाला नहीं। और सेम सुफियान भाई यार अपने मतलब कि